अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड मस्ती मैजिक। इस वीडियो में हम आपसे शेयर कर रहे हैं चिकन टॉर्टिला रैप्स की रेसिपी। बहुत ही सिंपल, मज़ेदार और यूनिक रेसिपी है, तो चलो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। एक पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। इसे हमने इस तरह से स्मॉल और लॉन्ग पीसेस में कट किया है। इसे अभी हम थोड़ा भून लेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखिए, चिकन का कलर चेंज हो गया है और पानी भी इसका छूट गया है। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून। इसे हम अच्छी तरह से भूनेंगे तो अदरक लहसुन का कच्चापन जाने तक इसे हम भूनेंगे। इसमें से अराउंड 3 to 4 मिनट्स हो गए हैं, इनसे हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले, जो है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, सब हमने 1 टीस्पून डाला है। ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून डालेंगे और गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। पापरिका ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून, ये ऑप्शनल है, आपके पास है तो आप डालें। और हमने नमक ऐड कर दिया है। बस सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे हम। देखिए, इसे भूनते भूनते हमारा चिकन भी पकते रहता है, तो ऑलमोस्ट हमारा चिकन पक गया है, बस इसे थोड़ा ही पकाना बाकी है। अब इसमें डालेंगे हम लेमन, पूरा 1 लेमन का जूस हम इसमें डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पर हमने इसे कवर करके 3 to 4 मिनट्स तक अच्छी तरह से पकाया है। ये देखिए, चिकन हमारा अच्छी तरह से कुक हो गया है। अब हम इसमें कुछ वेजीज ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे ऑनियन लिया है, टमाटर और कुछ बेल पेपर्स। वेजीज के साथ इसे हम और 2 मिनट्स तक पकाएंगे और ये हो गया है रेडी। अब हम इसका सॉस रेडी करते हैं। हमने मेयोनीज ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे गार्लिक शेजवान सॉस 1 टेबलस्पून, टमाटो केचप ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, मस्टर्ड सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून, इसका एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। और ये सिराचा सॉस है हमारे पास, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। ये थोड़ा स्पाइसी आपको लगेगा लेकिन बहुत ही मज़े का लगता है। और इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें हम सॉल्ट नहीं ऐड करेंगे क्योंकि सारे सॉस में सॉल्ट होता है। ये देखिए, हमारा सॉस रेडी हो गया है। चिकन भी हमारा रेडी हो गया है, वेजीज हमारे कुक हो गए हैं। हमें से ज़्यादा कुक नहीं करना है, क्रंची ही रखना है। अब हमने यहाँ पर ले लिया है टॉर्टिला रैप्स। इसे हम तवे पे थोड़ा सा भून लेंगे दोनों साइड से, ताकि जो कच्चापन रहता है वो भी अच्छे से पक जाए। ये देखिए, ये अच्छी तरह से पक गया है दोनों साइड से, थोड़ा फूकता भी है। इस तरह से हमने सारे टॉर्टिलास को भून कर ले लिया है। अब हम यहाँ से एक कट लगाएंगे। हमने चिकन डाला है एक साइड पर, अब एक पोर्शन पे हम मेयोनीज, जो हमने सॉस बनाया है, वो डाल देंगे और कुछ लेट्यूस है ये डाल देंगे एक साइड पर। और लास्टली 4th साइड पे हम चीज़ डाल देंगे। बस अभी से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, तो इस तरह से ये फोल्ड करेंगे और ये ट्रायंगल शेप का हो जाएगा इस तरह से। ये देखिए, बहुत ही मज़े का।
अब हम इसे और ग्रिल करेंगे थोड़ा सा, तो हमारे पास ग्रिलर है उस पर हम इसे डाल देंगे। पहले हम सारे रेडी कर दें इस तरह से। तो हमने इस तरह से इसे थोड़ा थोड़ा ग्रिल किया है ताकि उसे एक अच्छा इफ़ेक्ट आ जाए। ये देखिए हमारे टॉर्टिला रैप्स रेडी है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करना आप लोग और हमें कमेंट करके बताना कैसी बनी आप लोगों की ये डिश। तो ऐसे ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर ज़रूर करना। फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। जब तक कि टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।